देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मॉनसून की पहली बारिश ने मधुबन में दी दस्तक। लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस के बाद मॉनसून की पहली बारिश ने मधुबन की फिजाओं में ठंडक घोल दी है। दो दिन पहले और फिर आज भी अच्छी बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने कुछ दिन पूर्व ही भविष्यवाणी की थी कि 27 जून को मॉनसून राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा और सिरोही में 2-3 दिन तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तक चेतावनी सच साबित हो रही है। प्रातःकाल से उमस थी, लेकिन उसके बाद बादलों में आवाजाही में अचानक बदलाव आया और हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिसमें मौसम में ठंडक घुल गई। आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। माउंट आबू सहित पूरे जिले में बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। मुख्यालय में नेशनल मीडिया ट्रेनिंग का भव्य आगाज। मधुबन न्यूज जिन रिपोर्टर्स के बदौलत आपको न्यूज उपलब्ध कराता है, उन रिपोर्टर्स को अपग्रेड करने तथा नई नई तकनीकी सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में नेशनल मीडिया ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से संस्था से जुड़े हुए रिपोर्टर्स बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग कराने के लिए दिल्ली, जयपुर और रायपुर से आए वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज एंकर, संपादक, प्रशिक्षणार्थियों को खबर की समझ से लेकर समाचार लेखन, समाचार संपादन, एडिटिंग, कैमरा हैंडलिंग, फोटोग्राफी, जनसंपर्क आदि की बारीकियां सिखा रहे हैं। साथ ही लाइव डेमो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए रिपोर्टिंग करना भी सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के उद्घाटन अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मल्टीमीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, प्रयागराज सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके मनोरमा, मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल समेत अन्य मंचासीन महानुभावों ने ट्रेनिंग के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। अब शांति का आधार क्या है? शांति व्यक्ति में कैसे आती है? शांति विश्व में कैसे आ सकती है? शांति परिवार में, समाज में, देश में कैसे आ सकती है? ये न्यूज ना किसी के पास है और ब्रह्मा कुमारी के न्यूज रिप्रेजेंटेटिव खुद भी उस शांति में जीते हैं और उस शांति का उदाहरण है। परमात्मा में कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो इस प्रकार जो भी आप पूछेंगे तो वो एआई ने अपना रिप्लाई देता है। तो पर इसका बेस कौन है? हम मीडिया वाले। तो हम जहां से भी बाबा के जो सत्य ज्ञान को, शिव बाबा का सत्य परिचय को प्रयास हमको करना होता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर रमेश तिवारी, एबीपी के राजनीतिक संपादक अभिषेक उपाध्याय, न्यू इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ सहायक संपादक राजेश असनानी, न्यूज 18 इंडिया के आउटपुट एडिटर देवेंद्र शर्मा, भारत एक्सप्रेस की एंकर कोमल शर्मा और भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ की संपादक प्रियंका कौशल, मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु, मधुबन न्यूज के भोपाल जोन के न्यूज कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर वीना, मध्य प्रदेश के स्टेट एडिटर बीके रविंद्र, शिव आमंत्रण के संयुक्त संपादक बीके पुष्पेंद्र समेत कई लोग उपस्थित थे। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ सेमिनार। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशे की रोकथाम और मुक्ति के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा भारत सरकार के साथ MOU साइन किया गया है, जिसमें देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने में ब्रह्मा कुमारी बहनों का बड़ा योगदान है। यह बात कही कलेक्टर शुभम चौधरी ने, जो हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में मेडिकल विंग द्वारा नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर शांतिवन परिसर में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। आगे मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसीलाल शाह ने सभी को संकल्प कराया कि हम जीवन में सदा सभी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे। अपने घर के आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करने और नशा छोड़ने के लिए संकल्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में अब तक करीब 10,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। जितनी उम्मीद की थी उसे कई गुना अधिक अभियान को समर्थन मिल रहा है। ब्रह्मा कुमार भाई बहने नशा मुक्त रथ के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को सदा नशे से दूर रहने का संकल्प करा रहे हैं। कार्यक्रम में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ आयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, संस्था के PRO बीके कोमल, भोपाल से ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रीना भी मौजूद रही। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से एक मुट्ठी ट्रस्ट और द्वारका सिटी न्यूज द्वारा
इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियम लीग आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य देश भर के व्हीलचेयर बाध्य क्रिकेटरों की अविश्वसनीय प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करना रहा। इसमें ब्रह्मा कुमारीज के द्वारका सेक्टर 12 को खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें लगभग 120 विकलांग क्रिकेटरों और 30 अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय प्रभारी वीके निशा ने संस्था का परिचय देते हुए हमारे अंतर्निहित दिव्य गुणों जैसे शांति, आनंद, प्रेम, सद्भाव, खुशी, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति की जानकारी दी। उन्होंने ध्यान अभ्यास के महत्व को समझाया, अर्थात सर्व शक्तिमान से जुड़कर उससे सर्व ऊर्जा को स्वयं में समाने की विधि समझाई। प्रत्येक प्रतिभागी को 3 पुस्तकों का एक सेट, जिसमें तनाव मुक्त जीवन, आज का विचार और मेडिटेशन एज मेडिसिन, ये पुस्तकें भेंट की गई। अंत में कार्यक्रम की संयोजिका सुधा सिन्हा और मुकेश सिन्हा को ईश्वरी सौगात भी भेंट की गई। कि हम खुद से प्रेम खुद को सम्मान खुद के प्रति शांति के लिए प्रेयर करें, खुद के मन में सद्भावना जागृत रहे, उसके लिए खुद को नृसिंह दे, क्योंकि हमारे भारत वर्ष की वैश्विक संस्कृति यही है। क्योंकि परम पिता परमात्मा जो शिव निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वो करुणा, दया, प्रेम, शांति और सद्भावना के सागर है। ग्वालियर में स्थानीय सेवा केंद्र एवं संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा आध्यात्मिकता प्रेरित वित्तीय विकास कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अबेंडेंस एक्सीलेटर हब के फाउंडर डॉक्टर गुरुचरण सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी मुख्तियार सिंह यादव, डॉक्टर मनमोहन कौर, डॉक्टर कनुप्रिया आहूजा उपस्थित रही। बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह ने सभी को संबोधित किया और कहा कि अध्यात्म हमें संपन्न बनाता है, हर क्षेत्र में सफल होने में सहायक भूमिका निभाता है। बीके प्रहलाद ने कहा कि सदैव सकारात्मक व अच्छा सोचे, दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हो, अपनी सकारात्मकता से सभी को प्रभावित करे। तो वही बीके आदर्श ने राजयोग की महत्ता पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। आध्यात्मिकता को लेकर व्यक्ति हर प्रकार की इकोनॉमी कर सकता है और उसमें वो अपने धन को भी बहुत अच्छी तरह से सेव करके और अपने परिवार को अपने आप को बहुत शांति का अनुभव करा सकता है। कहते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाए तो अच्छा रहेगा। एंड दिस इज द 6G मॉडल व्हिच आई टीच, और ये हर जगह मॉडल अप्लाई हो सकता है कोई भी क्षेत्र में। You should have goals, लक्ष्य होना चाहिए कहाँ जाना है, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, इस 6G मॉडल हर जगह अप्लाई होगा। उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में क्या लक्ष्य है, वेल्थ में क्या लक्ष्य है, हेल्थ में क्या लक्ष्य है, मैं BP कंट्रोल, मैं शुगर कंट्रोल, मैं वेट कंट्रोल, लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर अनेकानेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी संदर्भ में नीमच में भी जिला कलेक्टर दिनेश जैन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुरु प्रसाद के प्रयासों से नशे के विरुद्ध एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत भारी संख्या में जिले के प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी, राजनेतागण, नगर के नागरिकों, गायत्री परिवार, विद्यालय के छात्र छात्राओं, पत्रकारों आदि के साथ ही विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ भाग लिया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके सविता के नेतृत्व में बीके बहनों के अलावा बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों ने नशा निवारण के प्रति जागरूकता वाले बैनर्स एवं झंडे लेकर विशाल मानव श्रृंखला एवं जन जागरण रैली में भाग लिया। वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में जन समुदाय को नशा मुक्त रहने एवं समस्त मानव समाज को नशा मुक्त करने में सहयोगी बनने की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य कुमार ऐलानी के प्रयासों से महाराष्ट्र के उल्हासनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र की भी सहभागिता रही। कार्यक्रम का उद्घाटन MLA कुमार ऐलानी, राज्य मंत्री रविन्द्र चौहान समेत अन्य महानुभावों द्वारा हुआ, जिसमें कई संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर योगा को जीवन में लाने के लिए प्रेरित किया गया।
साथ साथ राज्यों का महत्व भी समझाया गया। वरिष्ठ राज्यों की शिक्षिका बीके पुष्पा समेत अन्य बीके सदस्य इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए। हाल ही में भुवनेश्वर में भारत विकास परिषद में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन दिल जीतने के लिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिक, आपदा प्रबंधन, रोजगार, कला के क्षेत्र में काम करता है, उसके द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने स्वयं को खुश और प्रसन्न कैसे रखे, इसके लिए कुछ टिप्स दिए, साथ ही अपने रोजमर्रा के जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के केंद्रीय शाखा उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योत्सना महापात्रा, बीके नंदिनी समेत कई लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।